आज मंचूरियन की रेसिपी शेयर करते हैं, जो बहुत ही, बस थोड़े थोड़े ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। वेज मंचूरियन बनाने के लिए हमने ये देखिए कद्दूकस किया हुआ, पत्ता गोभी लिया हुआ है, हरा वाला लहसुन है, गाजर है, अदरक लहसुन है, प्याज कटा हुआ है और ये दो तीन हरी मिर्च है। तो इन सभी को एक बड़े बर्तन में डाल लेते हैं। पत्ता गोभी में नमक अलग से डाल के इनको निचोड़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें थोड़ा पानी कम था इस वाले पत्ता गोभी में। इनकी अलग अलग वैरायटी होती है, किसी में ज़्यादा होता है पानी, किसी में कम होता है। तो चलिए इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो ये हमने काली मिर्च लिया हुआ है आधा चम्मच, और ये आधा चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, और गरम मसाला हम ज़रूर डालेंगे। इसके बाद हम क्या बोलते हैं कि मैदा डालेंगे, मैदा हम 3 चम्मच डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस ये बाइंडिंग के लिए ही डालना है हमको, नहीं तो सब्जियों का जो स्वाद है नहीं आ पाएगा। सिर्फ मैदे और ये कॉर्न फ्लोर है जिसको 2 चम्मच हम डालेंगे बस। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और ये हम देखते रहेंगे कि अच्छा से बाइंडिंग में ये आ रहा है कि नहीं। अच्छे से हमने सभी चीज़ों को मिला दिया है और थोड़ा सा लेकर के हम देखते हैं, नहीं तो हल्का सा आधा चम्मच के करीब हम, आधा चम्मच और थोड़ा सा हम इसमें मैदा मिला देते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और अब चलिए इनके छोटे छोटे हम बॉल बनाएंगे, और बिल्कुल एकदम कस कस के नहीं इसको बांधना है, हल्का हल्का, ताकि जो हम इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे तो अंदर तक जा सके। तो इसी साइज का हम सभी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सारे बॉल्स को हमने बना लिए हैं और दूसरी तरफ कढ़ाई में हमने तेल भी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो चलिए फ्राई करते हैं। अब चाहें तो इसमें कुछ सब्जियों को और ऐड कर सकते हैं या और सब्जियों को स्किप कर सकते हैं, आपके अपने पसंद के ऊपर है। चलिए फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑयल गर्म हो गया है और इनमें हम एक एक करके छोड़ेंगे। इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही तलेंगे, नहीं तो क्या होगा, धीमे आंच पे तलेंगे तो ये बहुत ऑयल सोख लेंगे। बॉल्स को तुरंत नहीं चलाना है, हम थोड़ी देर के बाद ही इनको चला रहे हैं, और इनको ब्राउन होने तक तलेंगे। तो फ्रेंड्स, बॉल हमारे ये पक गए हैं मंचूरियन, तो इनको हम निकाल लेंगे। देखिए कितना सुनहरा कलर आया है। आप चाहें तो ऐसे सूखे भी इनको खा सकते हैं, और इसी तरह से बाकी का भी फ्राई कर लेते हैं। इनको भी निकाल लेते हैं। तो मंचूरियन को और टेस्टी बनाने के लिए हमने देखे कुछ वेजिटेबल्स काट लिए हैं। ये देखिए, मैंने शिमला मिर्च आधा कटा हुआ है, और ये प्याज को मैंने ऐसे इस तरह से खोल के रखा है, और ये भी प्याज ही है हरा वाला, उसका पीछे वाला हिस्सा। ये थोड़े से पत्ता गोभी हमने रखा है, ये हरा प्याज ही काट के रखा है, एक हरी मिर्च है। तो चलिए, कढ़ाई हमने गरम कर लिया हुआ है, उसमें तेल, तो ये देखिए थोड़ा सा लहसुन है, अदरक है, तो चलिए उसमें डालते हैं। कढ़ाई में 2-3 चम्मच हमने ऑयल डाल लिया है, तो उसमें सबसे पहले ये हम लहसुन डाल देंगे, अदरक, इन सबको अच्छे से चलाएंगे। 1 मिनट हो गया है उनको भूनते हुए, तो अब इसमें कटे हुए ये जो प्याज है खुले हुए उसी को डाल देते हैं। सभी चीज़ों को डाल देंगे हम,
थोड़ा सा ओनियन हम बचा देंगे ग्रीन वाला ऊपर से डेकोरेट करने के लिए। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से एक मिनट के करीब ही इनको हम भूनेंगे, ज़्यादा कलर नहीं आने देना है। तब तक चलिए इनको गाढ़ा करने के लिए फ्लेरी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने 2 चम्मच मैदा लिया हुआ है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पतला सा इनका घोल बना लेंगे। थोड़ा सा और पानी डाल देते हैं, पतला से बना लिया है। चलिए तो फ्रेंड्स, सब्जियों में अब हम ये 2 चम्मच टोमेटो केचप डालते हैं, इसे खट्टा मीठा स्वाद आएगा। और हम रेड चिली डालते हैं 1 चम्मच, रेड चिली सॉस है। और 2 चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे, डार्क वाला हमने लिया हुआ है। और 1 चम्मच हम ये विनेगर डालेंगे। इन सभी चीज़ों को चला लेते हैं। स्वाद के अनुसार हम सॉल्ट डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से हमने चला लिया है। और जो हम स्लेरी बनाए थे उनको भी अब इसमें हम मिला देते हैं। उबाल आ गया है और इसमें हम मंचूरियन बॉल्स डाल देते हैं। और इनको ढक करके 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे पका लेंगे। इस पर थोड़ा सा ये जो हमने ग्रीन वाला ऑनियन रखा था ऊपर से छिड़क देते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस हम ऑफ कर देते हैं। बन गया है हमारे मंचूरियन, बहुत गाढ़ा ही बना है। तो चलिए इनकी प्लेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव भी हमको जरूर दें। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी मंचूरियन वेज मंचूरियन बनके तैयार हो गए हैं। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स देखिए, वेज मंचूरियन बनके तैयार हो गए हैं और सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।